हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओ टू माइनस में आयन में से युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 8, ऑप्शन फोर्थ है 10। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। दोस्तों, क्वेश्चन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा है। तो ऑक्सीजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज दे रखा है जो कि इसमें ऐड हो जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो वह इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों में से माइनस हो जाता। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संघटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोडियम और पोटेशियम लवण, वाटर और आयरन और फास्फेट। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा बी वाटर। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब, और बिन पॉइंट दिए गए हैं पर्दे पर बनाया जा सकता है, सदैव आवर्धित और उल्टा होता है, उपयुक्त में से कोई कोई भी कथन नहीं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नोर। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पर्दे पर बनाया जा सकता है, जो कि ओनली वही राइट होगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लघुपतन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाती है, ऑप्शन फर्स्ट काफ़ी घट जाती है, ऑप्शन सेकेंड नहीं बदलती, ऑप्शन थर्ड तत्काल बढ़ती है, ऑप्शन फोर्थ लगातार बदलती रहती है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा सी तत्काल बढ़ती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा प्रमुख है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फ्रक्टोज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड्डी तोड़ जोर का सामान्यतः क्या नाम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइटफाइड, ऑप्शन नंबर बी रिहिंट्स, ऑप्शन नंबर सी पित्त ज्वर, और ऑप्शन नंबर डी डेंगू। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा डेंगू। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवेशिक कणों को त्वरित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड वृहत धारा जनन के लिए, विद्युत क्षेत्र जनन के लिए, उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा डी उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हीरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हीरा, ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी फुलरीन, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। तो दोस्तों, हीरा ये सभी कार्बन के अपरूप है, और हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर है, और हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है, और जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटफल की होती है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनी आयन निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम टू प्लस, मैग्नीशियम टू प्लस और कैल्शियम टू प्लस, और कैल्शियम टू प्लस और सल्फर टू माइनस। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा डी कैल्शियम टू प्लस और सल्फर टू माइनस। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लोह एवं फोलिक अम्ल की टिकिया
लेने की सलाह देता है, वह किस रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों ये आर्टिकिया से मतलब है कि टेबलेट्स। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन में। अति स्थिर सुस्थिरता, अवरक्तता, गलगंड, प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी, अरक्तता, एनीमिया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर, और लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण पर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोकार्बन पर भाप की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाइहाइड्रोजन बनाई जा सकती है तथा CO तथा H2 गैसों का मिश्रण निर्मित होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाटर गैस, ऑप्शन नंबर बी है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर सी है इंडस्ट्रियल गैस, और ऑप्शन नंबर डी है फ्यूल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वाटर गैस, भाप अंगार गैस। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस में अपमिश्रण के कारण डोप्सिंग रोग होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घी, ऑप्शन नंबर बी है अरहर की दाल, ऑप्शन नंबर सी है सरसों का तेल, और ऑप्शन नंबर डी है हल्दी चूर्ण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता? दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शहतूत, ऑप्शन नंबर बी है अरंडी, ऑप्शन नंबर डी है बांझ यानी कि ओर्क, और ऑप्शन नंबर डी है टीक सोगान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीक। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक झील जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई और तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है -10 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर बी है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है -4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फुलरेन में केवल 6 सदस्यीय कार्बन वाले होते हैं, फुलरेन पंजर सदृश अणु है यानी कि फुलरेन केज केज की तरह संरचना है, और ऑप्शन नंबर सी है हीरा ऊष्मगतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपरूप है, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट श्रवणशील और कठोर है तथा इसलिए यह मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है बी, फुलरीन पंजर सदृश अणु है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अभिनिदारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कवक, ऑप्शन नंबर बी है हरित पादप, और ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है कीट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2×10^8 मीटर पर सेकंड, 4.5×10^8 मीटर पर सेकंड, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और 1.5×10^8 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2×10^8 मीटर पर सेकंड। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद और कोशिकीय उत्तरायन, ऑप्शन नंबर सी है साबुन या डिटर्जेंट द्वारा मेल को दूर करना, ऑप्शन नंबर डी है किसी द्रव का प्रवाह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा किसी द्रव
द्रव का प्रवाह, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विटामिनों के भी सेमी निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शरीर में संयोजक ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है, और नेत्रवर्णक के संश्लेषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, और ऑप्शन नंबर सी है, आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन B12 सहायक होता है, और ऑप्शन नंबर डी है, आंत से अवशोषित कैल्शियम को उपयोग में लाने के लिए विटामिन सी का उपयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट या सेकंड, और ऑप्शन नंबर सेकंड है फर्स्ट या थर्ड, ऑप्शन नंबर सी है सेकंड या फोर्थ, या ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट या फोर्थ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, जो कि है शरीर में संयोजी ऊतक में विटामिन सी के निर्माण में विटामिन सी की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन B12 सहायक होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित पर परिपथ विच्छेदन करना, और बिजली चले जाने पर परिपथ विच्छेदन करना, और धारा अवच्छेदित प्रवाह को इंगित करना, और ऑप्शन नंबर डी है धारा के प्रवाह के लिए परिपथ को पूर्ण करना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी, धारा के अविच्छित्र प्रवाह को इंगित करना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परमाणु सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है आवेश, ऑप्शन नंबर सी है नाभिक, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन अभ्र। तो दोस्तों राइट आंसर होगा नाभिक, किसी किसी परमाणु सर्वाधिक द्रव्यमान, तो दोस्तों सर्वाधिक द्रव्यमान होता है नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 23, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्द्रव्यी जालिका, और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो दोस्तों यह राइट आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, और इनका लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्लियर पूर्ण चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4π, ऑप्शन नंबर बी है अनंत है, ऑप्शन नंबर सी है शून्य है, ऑप्शन नंबर डी है पिंड की आकृति पर निर्भर है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी, 0। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आवेग की विमा वही है जो कि है किसकी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दाब की, कोणीय संवेग की, कार्य की, रेखीय संवेग की। तो दोस्तों राइट आंसर होगा रेखीय संवेग की, ऑप्शन नंबर डी, आवेग की विमा और रेखीय संवेग की विमा सेम होती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूक्ष्म तरंग के अवन के कार्य करने के लिए सूक्ष्म तरंग के अवन के कार्य करने के लिए क्या शामिल होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पदार्थ सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण, प्रकाशी के तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण और विकिरण की उत्पादित उत्सर्जन, सूक्ष्म तरंग द्वारा पदार्थ और धातु में से होकर सूक्ष्म तरंगों का संचरण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमेशन ऑफ रेडिएशन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फारेनहाइट और सेल्सियस तापमान को मापने की दो मापनियां हैं, किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों
में समान हो तो वह तापमान क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है +40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है +72 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है -72 डिग्री। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, -40 डिग्री। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंट में तारपीन तेल किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पिगमेंट के रूप में, और ऑप्शन नंबर बी है फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है थिनर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है ड्रायर के रूप में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, थिनर के रूप में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वायु की उत्प्लकता के कारण, और ऑप्शन नंबर बी है बत्ती से होकर तेल का विसरण, ऑप्शन नंबर सी है बत्ती में केशिकीय क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर डी है बत्ती का गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बत्ती में केशिकीय क्रिया के कारण। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 278, ऑप्शन नंबर बी है 287, ऑप्शन नंबर सी है 288, ऑप्शन नंबर डी है 782। तो दोस्तों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा 17, और दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं 287। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 287। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा है, तो आप हमारे हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे जिनका लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादातर SSC CGL के एग्ज़ाम में और NTPC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन उन्हीं एग्ज़ामों में से आए हुए उठाए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।